वेलकम टू बैक माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हमारा एक नया पार्सल आ गया है जिसमें रिंग लाइट और ट्राईपोड को मैंने बुक किया था। तो दोस्तों, चलते हैं, अभी दिखाते हैं आप लोग को कि ये हमारा जो पार्सल है कैसा आया है। रिंग लाइट ट्राईपोड तो जस्ट अभी हम दिखाने वाले हैं, और इसका प्राइस कितना पड़ा है लगभग वो भी मैं बता। ये हमारा है पार्सल जो मैंने बुक किया था करीब आज से, मैंने 6 दिन पहले बुक किया था और अभी मेरे पास आ गया है। यहाँ से देखने में ही लग रहा है कि ये रिंग लाइट है। तो अब जस्ट हम इसको अब अनबॉक्स करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि इसमें क्या है और कैसे कैसे इसको सेटअप किया जाता है, सेट किया जाता है। तो तो पूरी इस वीडियो में दोस्तों, हम दिखाने वाले हैं। ये रहा मेरा पार्सल। अब हम जस्ट हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं और दिखाने वाले कि इसके अंदर क्या क्या है। तो अनबॉक्स कहाँ से होगा? सबसे पहले नंबर फर्स्ट में इसे हम अनबॉक्सिंग करने इसके अंदर वाले क्या हैं। है यहाँ से इसको अब हम ओपन करके दिखाने वाले हैं। तो इसे ओपन कहाँ से करें? यहाँ से ओपन करते हैं इसको। स्टैंड है, ये है रिंग लाइट का स्टैंड। लेकिन अब यहाँ पे कुछ कुछ डैमेज हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे और इस जगह पे कुछ डैमेज हो गया है। तो खैर, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको रखते हैं यहाँ पे साइड में, कुछ भी नहीं। ये हो गया रिंग लाइट इसके अंदर। तो अभी इसको हम ओपन करते हैं। ओपन, ये रहा हमारा रिंग लाइट। रिंग फिल लाइट मैग्नीफिसेंट इजी इन द बैटरी नाइट। अब जस्ट हम इसको भी अभी ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ से एक और सॉकेट को निकालना है। ये रहा यहाँ से रिंग लाइट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा मोबाइल का ट्राईपोड, जिसमें मोबाइल का ट्राईपोड, इसमें मोबाइल कसा जाएगा। और ये कुछ कसने का नट बोल्ट है। और ये देख सकते हो, ये रहा लाइट। छोटा दिख रहा है, लेकिन छोटा है या नहीं वो तो अब तो वर्क करने के बाद ही पता चलेगा। ये रहा लाइट। तो जस्ट हम इसको अभी दिखाने वाले, वैसे ये है कि ऑफ ऑन है। यहाँ से ऑफ ऑन होगा, यहाँ से प्लस माइनस होगा, चेंजिंग होगा। और तो ठीक है, ये रहा मेरा रिंग लाइट, ये रहा मोबाइल का ट्राईपोड। और इसमें मोबाइल का ट्राईपोड से मोबाइल फिटिंग होगा, ये देख रहे हो, मोबाइल यहाँ से फिट होता है ऐसे। और ये रहा नट वोल्ट। अभी कहाँ पे कैसे फिट होगा मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम है तो जस्ट अभी हम पता कर रहे हैं। ये रहा, और इसको मैं कुछ ऐसे कसा जाएगा, तो अभी कसने नहीं आ रहा, मालूम नहीं है अभी। इसके अंदर कुछ भी नहीं, जस्ट इसको अभी साइड कर देते हैं। स्टैंड को ओपन कर देना है ये इस तरीके से। ये आप देख सकते हो यहाँ से कैसे स्टैंड लगता है। ये रहा, यहाँ यहाँ से सीधा ऐसे करके चापना है, स्टैंड लग गया। फिट करना है तो लाइट को फिट करने के लिए क्या करना होगा, सीधा इसमें हमें इसे फिट कर देना होगा। ये सेटअप हम कभी देखे नहीं हैं, फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं, कैसे लगेगा मालूम नहीं है। तो ये नट लगता है किससे, हम इसमें का है ये तो लग। ये हमारी रिंग लाइट हो गई, और जस्ट इसके अनुसार हम स्टेबल कर लेंगे, एक जगह फिट कर लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले नंबर इसको हम इसमें फिट कर लेंगे अपने एडजस्टिंग अनुसार। ये देखो, ये देखो मैंने क्या किया कि ये जो हैंडल था इसमें लगा दिया और फिट कर देंगे यहाँ पे। और जस्ट अब मोबाइल को लगाना है ना, तो अब हम इसे मोबाइल को फिट करेंगे। मोबाइल मेरे पास बड़ा वाला था, लेकिन अभी फ़िलहाल है नहीं। जो होगा, हमारा स्टैंड भी मिल गया और रिंग लाइट भी मिल गया, इतना ही में काफ़ी स्मूथ। और अब मोबाइल को इसमें फिट करते हैं और लाइट को जला करके देखते हैं। अब हमारा जो लाइट है, लाइट का जो सेटअप है, बिल्कुल सही रूप से मैंने सेटअप कर लिया है, क्लियर। और जस्ट अब अभी हम इसमें एक चार्जर का अडेप्टर लगाना होता है, क्योंकि ये डीसी लाइट है, एसी तो है नहीं। तो चार्जर का अडेप्टर लगाना है और इसमें लगा करके कनेक्ट करना होता है। तो अभी हम जस्ट अभी कनेक्ट करने वाले हैं। तो गाइस, ये रहा चार्जर का अडेप्टर जो करीब 5 वोल्ट 3 एम्पीयर का है। और जस्ट हम इसके अंदर अभी कनेक्ट करेंगे इसका जो वायर है, ये रिंग लाइट का। और इसे हम अभी हम मेन सप्लाई में कनेक्ट करेंगे। तो हमने मेन सप्लाई में कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे स्विच दिए हुए हैं। पहला है ऑन का, तो मैंने ऑन कर दिया इसको। और देखिए, हमारा लाइट अभी जलना स्टार्ट हो गया। और इसमें आप लाइट को जो क्या बोलते हैं, लाइट जो है आप इसे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज कर देते हैं, देखिए यहाँ पे ये कम हो रहा है। अब इसे हम चेंजिंग करते हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अभी वार्म लाइट जल रहा है।
और ये अभी हमारा जो अभी है कोल्ड लाइट है, कोल्ड लाइट, तो इसे जस्ट हम अभी इंक्रीज करते हैं। ऐसे अगर देखिए हमारा लाइट कितना कम गया, और इसे अब हम बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइट हो गया। जो अब हम इसमें मोबाइल को थोड़ा सा लगा करके दिखाते हैं कि मोबाइल को कैसे लगाना है। गाइस जैसे कि मैंने अभी पूरे सेटअप करके दिखाया, और जस्ट अभी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं आई में, तो हमारा अभी रिंग लाइट जल रहा है। जस्ट अभी रिंग लाइट के अंदर अभी मोबाइल को अभी फिट करने वाले हैं। तो ये हमारा रहा मोबाइल के अंदर रिंग लाइट फिट, देख सकते हैं इसके अंदर मोबाइल को इस तरीके से फिट कर देना है। और देखिए हमारा फेस कैसा दिख रहा है, मतलब लाइट लाइट दिख रहा है। ये दोनों आँख में आप देख रिंग लाइट, इसकी जो लाइट की जो क्वालिटी है एकदम स्लो है, लो है, इसमें कोई हाई क्वालिटी नहीं है, बहुत नॉर्मल है, और इससे कोई काम भी नहीं चलेगा। गाइस जो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी हमारा जो रिंग लाइट जो था, तो रिंग लाइट में जो लाइट है अच्छा से इसका वर्क नहीं कर रहा, मतलब काफ़ी स्लो है, अच्छा से जल नहीं पा रहा है, अच्छे वर्क नहीं, मतलब मेरे लिए नहीं है, वर्क नहीं कर पाएगा, इससे वर्क नहीं हो पाएगा मेरे से। हाँ इसका स्टैंड है, स्टैंड भी वीक है, मतलब छोटा सा स्टील का ऐसे ही पतला मतलब स्टैंड है, और आते समय इसमें दो जगह थोड़ा सा चोट पड़ गई है तो दब गया है, तो काफ़ी वीक है। और बीच वाला जो थोड़ा सा बीच वाला जो पर्सन दिख रहा है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, और कुछ कुछ ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। बाकी पूरा पूरा इसका जो मटेरियल है, जितने पैसे मैंने मंगाया है काफ़ी, उतने पैसे के लिए तो उतने बजट में ये सही ही है। मैं इसको प्राइस अभी दिखा देता हूँ आप लोग कि इसका प्राइस कितना है। देख सकते हो इसका प्राइस करीब तो 593 रुपया, 593 रुपीज़ है टोटल। तो इतने प्राइस में अगर ट्राईपोर्ट और अगर रिंग लाइट ट्राईपोर्ट अगर मिल जाता तो क्या दिक्कत है, क्योंकि क्वालिटी तो स्लो होगा ही ना, क्वालिटी तो डाउन मिलेगी ना, ये चीज़ है। तो जस्ट अब अभी हम दिखाते हैं कि हमारा ट्राईपोर्ट दिखने में कैसा लग रहा है। तो गाइज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमारे ट्राईपोर्ट और ये हमारा हो गया रिंग लाइट। तो ये दोनों को हमने अच्छे से सेटअप कर लिया है, जो कि आपको मैंने अच्छे से दिखाया इस वीडियो में कि क्या सेटअप करने में कितना टाइम लगा निकालने में, और क्या इसकी क्वालिटी है, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो क्योंकि इतने प्राइस में इतने कम बजट में जो मिल रहा है तो नॉर्मली ठीक ही है, क्योंकि कंपनी जो भी देती है तो घाटा में करके तो देगी नहीं, उसके तो फायदा होना ही चाहिए, क्या समझ रहे हैं आप। तो ये हो गया रिंग लाइट जो मैंने आज ही मंगाया, जस्ट मेरे साथ जस्ट अभी ब्लॉग में से रिव्यू भी कर दिया। तो जस्ट अभी हम अभी टेक चैनल में इसको भी रिव्यू करेंगे, कौन सा इसका क्या है नहीं है, तो जाकर के आप मेरे वीडियो को जरूर देखना टेक चैनल पे, कि वीडियो को अभी शूट करेंगे तो जाकर के आप देखना, जरूर जरूर जाकर के देखना, आप भूलना नहीं। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके के और भी हम वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए, हमेशा रिव्यू करते रहेंगे, हमेशा प्रोडक्ट को मंगाते रहेंगे और अनबॉक्सिंग करते रहेंगे। वाला माइक आने वाला है, वायरलेस माइक आने वाला है, तो टाइप सी का उसका UTG होगा, और काफ़ी उसमें अच्छे अच्छे फंक्शन दिए होंगे जो आप लोगों के साथ भी उसको दिखाएंगे। तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।